अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कोई स्टूडेंट अगर फेडरल बोर्ड के अंदर 2023 और 24 के जो फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन होंगे उसमें अपीयर होना चाह रहा है, तो जब वो एडमिशन फॉर्म फिल करेगा ऐसा प्राइवेट स्टूडेंट या एक्स प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर, तो उसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें डॉक्यूमेंट की कंप्लीट लिस्ट आपके सामने मैंने शो की है जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी स्कूल के स्टूडेंट हैं और आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आप इसके अलावा कोई गैप सर्टिफिकेट, अगर एक ईयर का गैप आ गया तो आप वो डाल सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है सारे आप इसमें एडमिशन के वक्त आपको ज़रूरत पड़े, आप इसमें से कोई भी अपने रेलिवेंट जो है वो जो है डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल सम केसेस में प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट भी बच्चों को ज़रूरत पड़ता है। कुछ स्टूडेंट अगर एडमिशन भेज रहा है और उसे किसी स्कूल या कॉलेज से प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट बनाना होता है कि उसने वहाँ प्रैक्टिकल अटैम्प्ट किए हैं, तो ये प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट उस सिचुएशन में काम आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी इस किस्म का डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप सिंपली आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो होगा, यानी बे फॉर्म जो है बेसिकली, इसके अंदर आप डाल सकते हैं, या उसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपके सम केसेस में अपनी प्रीवियस मार्क्स शीट जो होती है वो भी आप इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट थे जो आपको एडमिशन के वक्त ज़रूरत पड़ सकते हैं, लेकिन इसमें याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ये लाजमी चाहिए, आपको आपके रेलिवेंट आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट ईयर की एग्जांपल ले लेते हैं कि आप फर्स्ट ईयर में ऐसा प्राइवेट स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपने सिंपल एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो कि आपकी मैट्रिक की मार्कशीट है। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो क्लियर होगी। अगर कोई माइंड में कन्फ्यूजन है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल के निशान पर क्लिक करें, ताकि कोई भी अपडेट फेडरल बोर्ड की आती है तो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए बआसानी पहुँच